हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज सीखते हैं नया टॉपिक, फंक्शन टेम्पलेट। अब फंक्शन टेम्पलेट को सीखने के पहले हमने एक टॉपिक सीखा था, अगर आपको याद होगा तो एक टॉपिक हमने सीखा था पॉलीमॉर्फिज्म का, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है उसके बारे में अगर हम डिस्कस पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, जिसमें हमने हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 भी सीखा था। अब आपके स्क्रीन पे एक प्रोग्राम दिख रहा है, ये जो प्रोग्राम है ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का। अगर आपको कंसेप्ट याद होगा तो आपको ये कंसेप्ट समझेगा भी। कंसेप्ट ऐसा है कि व्हेन वी डिफाइन मोर देन वन फंक्शन विद सेम नेम बट देयर पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट, दिस कंसेप्ट नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे कि आप प्रोग्राम देख रहे हो, इस प्रोग्राम में नियर अबाउट 3 फंक्शंस मैंने बनाए हैं जिनका नाम सेम है, दैट इज अ मैक्स मैक्स मैक्स। बट अगर आप उनकी पैरामीटर लिस्ट देखें तो पहला जो फंक्शन है उसको 2 इंटीजर हमें पास करना है, दूसरा जो फंक्शन है उसको 3 इंटीजर हमें पास करना है, और तीसरा जो फंक्शन है उसको 2 डबल हमें पास करना है। तो ये जो कंसेप्ट होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, इनके पैरामीटर्स अलग अलग क्यों होने चाहिए, क्यों? क्योंकि हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करें तो कंपाइलर को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मुझे कौन सा डेफिनेशन कॉल करना है। ओके, अब इसमें जैसे आप देख रहे हो कि 3 फंक्शन है तो मुझे 3 बार डेफिनेशन भी लिखना पड़ा है, जैसे कि 2 इंटीजर के लिए एक डेफिनेशन, 3 इंटीजर के लिए दूसरा डेफिनेशन, और 2 डबल के लिए तीसरा डेफिनेशन। तो यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आता होगा कि हमें सेम डेटा टाइप, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग डेफिनेशन लिखनी पड़ रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन की, सॉरी पहला और तीसरा फंक्शन, यानी कि मैक्सिमम बिटवीन 2 का, पहला है 2 इंटीजर का मैक्सिमम है, और तीसरा फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये डबल का। मैं इसको हटा देता हूँ, ये 3 डबल वाला पहले, फिर कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ। नाउ लुक एट द एग्जांपल, यहाँ से भी उसको हटा देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ से भी उसको हटा देता हूँ। अब आपको प्रोग्राम अच्छे से समझ में आएगा। इसमें अगर आप देखें तो दोनों फंक्शंस की फंक्शनैलिटी सेम है, सेम टू सेम है, फंक्शनैलिटी में कोई भी डिफरेंस आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें 2 बार डेफिनेशन लिखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के डेटा टाइप अलग अलग है। तो C++ में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम एक फंक्शन जिनकी फंक्शनैलिटी सेम है तो दोनों को अलग अलग डेफिनेशन लिखने की बजाय हम एक ही डेफिनेशन में दोनों का काम करवा सकते हैं, चाहे डेटा टाइप अलग अलग क्यों ना हो। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट, आप जो सुन रहे हो कि हम एक ही फंक्शन जो सेम नाम है उनकी फंक्शनलिटी भी सेम है, भले उनके डेटा टाइप अलग अलग क्यों ना हो, उनके लिए हम एक ही फंक्शन में काम करवा सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है C++ के अंदर उसको कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट। अब उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि फंक्शन टेम्पलेट एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, फंक्शन टेम्पलेट को सीखने के पहले हमने चैप्टर नंबर 6 में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट था फंक्शन ओवरराइडिंग, फिर उसके बाद हमने उसका एग्जांपल देखा, फिर हमने वर्चुअल फंक्शन के बारे में सीखा। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो, आप भूले नहीं हो। उसके बाद प्योर वर्चुअल फंक्शन, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और फिर आज हम जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है फंक्शन टेम्पलेट। अब फंक्शन टेम्पलेट को समझने के पहले, जैसे मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम समझाया, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में जितने डेटा टाइप्स उतनी डेफिनेशंस आपको लिखनी है, लेकिन हम फंक्शन टेम्पलेट का यूज़ करके अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए भी सेम फंक्शन को काम करवा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी सेम होनी चाहिए, टास्क सेम होना चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल, फंक्शन टेम्पलेट्स आर द स्पेशल फंक्शंस दैट कैन बी ऑपरेट विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यस, अलग अलग डेटा टाइप पे सेम फंक्शन काम करेगा, ये जो कंसेप्ट है उसको कहते हैं फंक्शन टेम्पलेट। दिस अलाउ यू टू क्रिएट अ फंक्शन टेम्पलेट विच एग्जीक्यूट सेम कोड। यस, सेम कोड हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे अलग अलग डेटा टाइप के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा होगा, उसका सिंटैक्स पहले देखते हैं। तो जब आप टेम्पलेट बनाओगे तो उसके लिए आपको टेम्पलेट कीवर्ड लगेगा, टेम्पलेट कीवर्ड, उसके बाद क्लास, उसके बाद ये क्लास रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, आपको यूज़ करना पड़ेगा, ब्रैकेट में यूज़ करना है, और टी, टी का मतलब होता है डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप कौन सा रहेगा, इट्स डिपेंड ऑन योर पैरामीटर लिस्ट, इट्स डिपेंड ऑन योर
पैरामीटर लिस्ट। अगर आपने दो इंटीजर पास कर दिए तो ये इंटीजर रहेगा, अगर आपने डबल पास किया तो ये डबल रहेगा, मतलब ये टी कॉमन नेम है सब के लिए। उसके बाद वही डाटा टाइप आपको रिटर्न में भी लिखना है, उसके बाद उसका फंक्शन नेम भी देना है, फंक्शन नेम देने के बाद उसके आर्गुमेंट भी पास करने हैं, ठीक है। सो ये हो गया उसका सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के बाद चलते हैं एग्जाम्पल विदाउट फंक्शन टेम्पलेट, जो मैंने प्रॉब्लम आपको समझाया अभी अभी कि दो इंटीजर के लिए अलग डेफिनेशन लगेगा, दो डबल के लिए भी अलग डेफिनेशन लगेगा। अगर आप दोनों फंक्शन का टास्क देख रहे हो तो सेम है, तो अब हम इसको फंक्शन टेम्पलेट से समझते हैं। नाउ लुक एट अ प्रोग्राम ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। अब मैंने फंक्शन का टेम्पलेट बनाया, उसके लिए टेम्पलेट कीवर्ड मैंने यूज़ किया, उसके बाद क्लास टी, ये जो मैंने आपको बताया कि ये सिंटैक्स है वैसे ही लिखना पड़ेगा, टी का मतलब होता है टाइप, डेटा टाइप। फिर मेरे फंक्शन का नाम है मैक्स, जो अलग अलग डेटा टाइप पे काम करेगा, फंक्शनलिटी सेम है। अब देखते हैं उसका मेन फंक्शन का कोडिंग। पहले मैंने मैक्स को कॉल किया, अब यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यू पास की है, तो यहाँ पे ये टी का मतलब हो जाएगा इंटीजर, क्योंकि मैंने पास क्या किया, इंटीजर पास किया, यस। तो टी का मतलब हो गया इंटीजर, मतलब अब ये फंक्शन काम करेगा इंटीजर डेटा टाइप के लिए। उसके बाद सेकंड टाइम जब मैंने उसको कॉल किया तो मैंने डबल वैल्यू पास की है, तो अब ये फंक्शन काम करेगा डबल के लिए। तो इस तरीके से आप एक ही फंक्शन को अलग अलग डेटा टाइप के लिए काम करवा सकते हैं, और यही कंसेप्ट है फंक्शन टेम्पलेट का। अब ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं कि बराबर से ये काम करता है कि नहीं करता है। अब ये प्रोग्राम रन करना है, यहाँ पे आए, नया फाइल लिया मैंने, इसको रन करते हैं। अब आप देख रहे हो कि वही प्रोग्राम है, मैक्सिमम इक्वल टू दो अलग अलग। नाउ लुक एट द आउटपुट, दोनों फंक्शन दो बार फंक्शन कॉल हुआ, पहली बार इंटीजर के लिए कॉल हुआ और दूसरी बार डबल के लिए कॉल हुआ। तो ये कंसेप्ट है फंक्शन टेम्पलेट का, जो हम कर सकते हैं C++ के अंदर, पॉसिबल है। तो इस तरीके से एक ही फंक्शन लिख के हम अलग अलग डेटा टाइप्स को उस पर काम करवा सकते हैं। सो दिस कंसेप्ट नोन एज फंक्शन टेम्पलेट। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आया। अगर कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।